बात बताइए, विदेश जाने के लिए किन दो चीजों की जरूरत होती है? आप कहेंगे वीजा और पासपोर्ट, पर हम कहेंगे वीजा और वैक्सीन पासपोर्ट। बिना इन दो चीजों के फिलहाल तो आप विदेश जा ही नहीं पाएंगे। अब आप कहेंगे कि ये पासपोर्ट तो सुना था, पर अब ये वैक्सीन पासपोर्ट क्या नहीं भला है? ये डिजिटल कार्ड जैसा ही है, जिसे आप वैक्सीन पासपोर्ट, कोविड पासपोर्ट या ट्रैवल पासपोर्ट भी कह सकते हैं। वैक्सीन पासपोर्ट में आपका कोरोना टेस्ट रिकॉर्ड, वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड, आइसोलेशन का रिकॉर्ड, आपने इस दौरान कहां कहां ट्रैवल किया, इसका भी रिकॉर्ड होगा और साथ ही आपकी हेल्थ डिटेल्स का भी रिकॉर्ड इसमें मिलेगा। अब आप सोचेंगे कि क्या अब पासपोर्ट कैरी करने की जरूरत नहीं? तो बता दूं, नहीं, अब पासपोर्ट को साथ रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैक्सीनेशन पासपोर्ट में आपके ट्रैवल पासपोर्ट की ई कॉपी रहेगी। अब ये बनेगा कैसे, सर्च मत कीजिए, मैं बता देती हूँ। वैक्सीनेशन पासपोर्ट केवल उन्हीं लोगों का बनेगा जिनका वैक्सीनेशन के बाद ई सर्टिफिकेट बन चुका है। उसके बाद ही आप वैक्सीन पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे और पासपोर्ट ऑफिस से ही आपके वैक्सीन पासपोर्ट पर अंतिम मुहर लगेगी। वैक्सीन पासपोर्ट बनने के बाद ही आपका कोरोना टेस्ट होगा। ध्यान रहे कि ट्रैवल करने के 72 घंटे पहले यानी 3 दिन पहले ही आपको कोरोना टेस्ट सर्टिफिकेट बनवाना होगा। प्रोसेस अभी बाकी है मेरे दोस्त, यही खत्म नहीं हुई। इतना सब करने के बाद आपको WHO की वेबसाइट पर अपना वैक्सीनेशन पासपोर्ट अपलोड करना होगा और दूसरे देश पहुंचते ही कोरोना टेस्ट करवाना होगा। WHO से डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने के बाद QR कोड लेना होगा और इस QR कोड को दूसरे देश के एयरपोर्ट पर दिखाना होगा। अभी अमेरिका, कनाडा, इजराइल, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, सभी यूरोप के देशों में वैक्सीन पासपोर्ट की पहल हो रही है। अगर आप बिना वैक्सीन पासपोर्ट बनवाए विदेश जाते हैं तो 1,82,000 रुपए भरने पड़ सकते हैं। इसीलिए वैक्सीन पासपोर्ट बनवा लीजिए, क्योंकि इसका एक फायदा ये भी है कि आपको ट्रैवल करने के बाद क्वारंटीन होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी तरह के तमाम नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियोस को देखने के लिए डाउनलोड कीजिए दैनिक भास्कर ऐप।